हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सिमर एस के एस ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिन है एतवार और तारीख है 24 जून। तो दोस्तों, हमने आज ना घर की सारी सेटिंग मतलब चेंज करनी है। तो थोड़ी सी दिक्कत इस वजह से आ रही थी कि जिधर हम रात को सोते थे ना एसी वाले रूम में, तो उधर ना डेली के डेली चारपाई बिछानी पड़ती थी। और जो ये किचन वाले साथ का सामने रूम दिखता है, तो जहाँ पे मिरर रखा हुआ, बेड लगा हुआ, सोफे लगे हुए हैं, वहाँ की सेटिंग मुझे नहीं अच्छी लगती थी। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता था वहाँ पे। तो दोस्तों, आज सारी सेटिंग हम चेंज करेंगे दोनों पति पत्नी मिलके। तो संडे का दिन कुछ हमने इस तरह से बिताया है, सारी घर की सेटिंग करके। साफ़ सफाई भी हो गई है और सेटिंग भी काफ़ी चेंज हो गई है, और किचन का भी थोड़ा सा हमने चेंज किया है, वो आपको आगे चल के दिखाएंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे ना जो सामान मैं निकाल रही थी ना, उसमें ना मम्मी की चूड़ियाँ और जो बालों में डोरी बांधते हैं वो, और धूप की ना बत्तियाँ जो थे, मम्मी ना बना बना के रख लेते थे पहले ही, जो धूप होता है। तो ना मम्मी ना मतलब वेले टाइम होते थे दोस्तों, मेरा मन बहुत ज़्यादा ऐसे भर जाता है ऐसे देख के। मैं खुद भी अभी भी मेरा मन ऐसे हो रहा है। तो दोस्तों, ये देखो, ये डब्बी मैंने जो खोली है ना, तो इसमें ना धूप की बत्तियां बना बना के मम्मी ने अपने हाथों से रख रखी है, बहुत सारी है ये। मम्मी हमेशा बना के रखते थे, जब भी उनका फ्री टाइम होता था ना, तो उस टाइम ना वो बत्तियां बना लेते थे ऐसे, जोते बना के बनाने लग जाना। तो ये मुझे बोल रहे थे कि तू ना डेली ये एक धूप जलाया कर भगवान जी के आगे, तो मम्मी को भी कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा। भगवान जी मेरे मम्मी की आत्मा को शांति दे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो देख के मन भर ही आता है। तो मैं बहुत रोई दोस्तों, बहुत ज़्यादा रोई मैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी जीने का नाम ही होता है। तो चलिए, सब कुछ होता रहेगा ऐसे, काम वाम सब कुछ चलता रहेगा ऐसे ही। तो यहाँ पे हम किचन की भी सेटिंग कर रहे हैं। ये एक ना ड्रॉर पड़ा था सामने दिख रहा है जो, तो इसमें ना हमने दुकान में कीले वगैरह डब्बे रख रखे थे, डिब्बे वगैरह उसमें। तो इसे ना मैंने सोच रखा था एक दिन के किचन में इसे सेट करेंगे। तो अभी मैंने इसे कलर वगैरह नहीं किया है, फिलहाल ऐसे ही रख लिया है, फिर कभी कलर करेंगे। यहाँ पे बॉक्स बेड खोल लिया है, तो इसमें छोटे छोटे टिफिन पड़े हैं। तो मम्मी जब व्रत वगैरह रखते थे ना, जो लड़कों का व्रत रखते हैं, तो मम्मी हमेशा सहज को देते थे छोटी छोटी डिब्बियाँ। तो ये छोटा सा रोटी का टिफिन मैं बोल रही थी, सहज को बता रही थी कि हम जब छोटे छोटे होते थे ना, तो ऐसे टिफिन चलते थे, तो हम बड़े खुश हो रहे थे ऐसे देख के। ये बोल रहे थे मुझे दे दिया कर, इसमें इतनी छोटी सी डिब्बी है, वो उसमें बोल रहे थे। तो मेरे को एक थाल, मम्मी ने 3 खानों वाले थाल भी दे रखे थे, वो भी पड़े हैं मेरे पास। ये देखो,
तो ये सारी मेरी मम्मी की दी हुई चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देते थे वो मुझे, तो ये भी मैंने संभाल के रखे हुए हैं। हमने सिर्फ चाय पी रखी है, अभी बनाई थी हमने, उसके साथ साथ रोटी बनानी है, रोटी बना लेंगे। तो ना ये बोल रहे थे काफी दिनों से ना, हम सोच रहे थे रात को ना जब हम यहाँ पे सोते हैं ना, तो यहाँ पे चारपाई बिछानी पड़ती है ये बड़े एरिए पे, तो सारी सेटिंग हम आज चेंज करेंगे, तो आपको दिखाएंगे कि कैसी सेटिंग हुई है। तो एक दीवान बेड लगाना है हमने यहाँ पे, क्योंकि चारपाई का डेली के डेली उठाना करना बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो हमने दोनों ने ना काफी दिनों से सोच रहे थे कि किसी दिन ठंडा होगा तो पता नहीं। वो आज सुबह के हम लगे हुए हैं 6:30 बजे के, तो बीच में बैठ के चाय पी थी थोड़े से, और किचन का भी चेंज किया है हमने थोड़ा सा सामान। तो सारा ये बॉक्स बेड हमने सारी मतलब सेटिंग खिला रखी है, गर्मी बहुत ज्यादा है बाहर, तो जो खाली कर रहे थे, तो अभी ये सारी सेटिंग करनी है। बोल रहे मैंने एक दिन सोचा कि मैं अकेली कर दूंगी, ये बोल रहे थे अकेले से नहीं होगा, ये अकेले के बस की बात नहीं है, ये हम दोनों मिलके करेंगे। तो आज मन बन गया तो हमने कर लिया, संडे का दिन है, संडे के दिन आज हम घर की सारी सेटिंग चेंज करेंगे, तो आपको दिखाएंगे दोस्तों कि हमने घर की कैसी सेटिंग की है, और आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसी लगी हमारी सेटिंग। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं फटाफट काम, रोटी भी बनानी है अभी। तो मैंने पापा से बोला था कि जब आपको भूख लगे तभी बता देना, मैंने आटा गूंथ के रखा हुआ है, तभी फटाफट से फुलके बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वाला काम। गर्मी है, काम करना इतना आसान नहीं था जो हमने छेड़ लिया है आज, तो ज़्यादातर काम जो हैवी चीज़ें हैं वो मेरे पति ने ही सारा मतलब इधर उधर किया है, ये मुझसे हैवी काम नहीं करवाते ऐसे, तो मतलब सारा मतलब 80% काम इन्होंने ही किया है भारी भारी। जो कपड़े निकालने हैं वो भी बॉक्स बेड में से इन्होंने ही निकाले थे, क्योंकि वो डस्ट भी मुझे चढ़ जाती है, तो ये बोले थे बीमारी से अच्छा है मैं कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, या कौन सा कोई कोई बात नहीं मैं कर लूँगा, तो सहज, तो पूरा बच्चे देखो कैसे इंजॉय करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे, अपने बचपन की यादें भी आ जाती है ऐसे जब मैं देखती हूँ। सहज देखो पूरा जोर लगा रहा है, तो उधर से वो ही धक्का लगा रहे, तो मैं बड़ा हंस रही थी कि कैसे सहज खींच रहा है। तो आज पति ने बहुत सारा हार्ड वर्क किया है, मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई है। तो ऐसे जब ना ऐसे हम घर में काम करते हैं, हमारे साथ कोई हेल्प करवाता है, उसके साथ जो हमारी बातें चलती हैं ना वो मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैं इनको भी बता रही थी कि जब हम छोटे थे ना, तो 10वीं 11वीं में ऐसे पढ़ते थे, तो जब कुआरे थे कहने का मतलब, तो हम ना अपने घर की जो मायके का हमारा घर होता था ना, हमें बड़ा शौक होता था, मम्मी को जैसे शौक थे ऐसे ही हमें थे शौक। तो दोस्तों पहले आपको बता दूँ, ये हमने दोपहर के टाइम में भी ब्रेक लिए है, हमने खाए हैं टोस्ट। तो दोस्तों मैं आपको बात बता रही थी कि मैं इनको बता रही थी कि हम ना बहुत ऐसे ना, मम्मी हमेशा बोलना, मम्मी ने बोलना आज सेटिंग ना चेंज करते हैं, उधर के बेड उधर लगा देते हैं, इधर की चीज़ें इधर कर देते हैं। तो हम मेरे को ना आज वो सारी यादें मतलब ताज़ा हो गई, तो ऐसे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज फिर ये गोड्डी कर रहे हैं ऐसे, मतलब क्यारी को जो पेड़ होते हैं ना ऐसे, उनके थोड़ा थोड़ा मिट्टी को उखाड़ना होता है ऐसे रंबी के साथ, तो इससे ना पेड़ की जड़ों को हवा लगती है और ये ग्रोथ करने लग जाते हैं। तो
हमने मशीन भी लगा रखी है, कपड़े धुल रहे हैं उसमें, सोफे के कवर वगैरह मैंने धुले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डबल बेड होता था, यहाँ पे हमने ऐसे सेटिंग की है, कुछ एक बेड लगाया है सिंगल सिंगल करके लगा दिया है एक दूसरे रूम में। तो ये सेंटर में जो टेबल है, एक मम्मी और का टेबल है, तो एक हमारे वाला है, ये सेट कर दिए हैं। तो हमने मतलब दो टेबलों से एक टेबल कर दिया है। तो एक टेबल थोड़ा उसकी हाइट कम है, तो उसे मतलब इक्वल करने के लिए मैं छोटे छोटे पीसेज नीचे लगा रही हूँ गत्ते के, तो बराबर आ जाएगा, वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा दोनों। तो चलिए दोस्तों सारी सेटिंग हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ ये सारा लुक। तो कुछ ऐसे मैंने सेटिंग की है, ये तो बेड यहीं पर पड़ा था। तो किचन का देखो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको। तो ये मैंने नीचे वाले एरिया में कुछ ऐसे सेटिंग की है, वो अब मेरा काफ़ी सारा सामान एडजस्ट हो गया यहाँ पे। इसमें मैंने कैबिनेट में कप वगैरह जो कांच के बर्तन हैं वो सेट कर दिए हैं। तो ये वाला मैंने आपको बताया था कि ये दुकान में रखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है, काम में आ गया है। तो ये वाली सेटिंग रूम की कुछ इस तरीके से कर लिया हमने, पहले यहाँ पर डबल बेड लगा था, अब हमने सिंगल कर दिया है ऐसे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा है ये रूम। तो ये देखो मेरी बहन की और मेरी ये तस्वीर है, आपको करीब से दिखाती हूँ मैं। पीछे मम्मी भी खड़े हैं मेरे, ये मेरे दीदी की मेहंदी वाले दिन की तस्वीर है। देखो मैं कितनी मोटी हुआ करती थी पहले, अब नहीं हूँ पर ऐसे। तो दोस्तों देख कैसी लगी आपको हमारे घर की सेटिंग, तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक। तो साथ वाले रूम में जहाँ पे ये वाला कैबिनेट लगा हुआ था, वहाँ पे हमने ये इधर का जो बेड सिंगल वाला है उधर लगा दिया है, ये देखो। तो कैसी लगी दोस्तों आपको हमारी सेटिंग घर की, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।